हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोड मीडियन। सो बेसिकली रोड मीडियन होता क्या है? ये कोई भी रोड की सेंट्रल रिजर्वेशन होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले व्हीकल्स को सेपरेट करती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ड्यूल कैरिज वे है। एक कैरिज वे ये हो गया और दूसरा कैरिज वे है ये। तो इन दोनों कैरिज वे को जो अलग करने वाली एक लैंड की स्ट्रिप है उसको हम रोड मीडियन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और दूसरी तरफ से इस डायरेक्शन में व्हीकल्स मूव हो रहे हैं। तो उन दोनों कैरिज वे को अलग करने वाली जो ये लैंड की जो स्ट्रिप है इसको हम रोड मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन बेसिकली दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है ट्रावर्सेबल मीडियन और दूसरा होता है नॉन ट्रावर्सेबल। ट्रावर्सेबल मीडियन की अगर बात करें, ट्रावर्सेबल मीडियन होता क्या है? वो मीडियम जिसके ऊपर से हम इमरजेंसी में गाड़ी चला सकते हैं उसको हम ट्रावर्सेबल मीडियम बोलते हैं। ये सिर्फ रोड पे पेंटेड होते हैं, कोई भी हार्ड बैरिगेशन कुछ भी ऐसा इसमें नहीं होता। दूसरा है हमारा नॉन ट्रावर्सेबल। एक फिजिकल बैरियर होता है रोडवे में जिसके अंदर कंक्रीट बैरियर या फिर स्टील बैरियर और एक सॉइल आइलैंड भी इसमें इंक्लूड होता है, उसको हम नॉन ट्रावर्सेबल बोलते हैं। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ट्रावर्सेबल का मतलब वो है जो सिर्फ रोड पे छपा हुआ है, सिर्फ उसकी ड्राइंग रोड पे है, अदरवाइज हार्ड बैरिगेशन वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है। इमरजेंसी केसेस में आप व्हीकल उसके ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें नॉन ट्रावर्सेबल की, तो उसमें हम इमरजेंसी केसेस में भी गाड़ी उसके ऊपर से नहीं पास कर सकते क्योंकि वो एक हार्ड बैरिगेशन होती है। वो एक रेज्ड पोर्शन होता है रोड के बीचों बीच जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने वाले व्हीकल्स को अलग अलग करता है। आगे हम बात कर लेते हैं, एक और टाइप है डिटेरिंग मीडियन। डिटेरिंग मीडियन क्या होता है? एक टेम्परेरी फिजिकल बैरियर होता है दोस्तों। होता तो वो फिजिकल बैरियर ही है लेकिन टेम्परेरी होता है, उसको हम इमरजेंसी केसेस में वहां से हटा सकते हैं, उसको हम डिटेरिंग मीडियन बोलते हैं। अब IRC के अकॉर्डिंग मीडियन की विड्थ कितनी रहनी चाहिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सेक्शन आप देख लीजिए और विड्थ ऑफ मीडियन नीचे है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एवं माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। चलिए बात करते हैं ओपन कंट्री विद आइसोलेटेड बिल्ट अप एरिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? खुला एरिया है, डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, उस एरिया को हम ओपन कंट्री एरिया बोलते हैं। वहां पे अगर हम बात करें प्लेन और रोलिंग टेरेन की, जहां पे रेज्ड मीडियन होगा उसकी विड्थ होनी चाहिए 5 मीटर, और ओपन कंट्री एरियाज में ही जहां पे डिप्रेस्ड मीडियन प्रोवाइड किया गया होगा वहां की विड्थ रहेगी 7 मीटर। अब क्वेश्चन उठता है, ये रेज्ड मीडियन क्या होता है और डिप्रेस्ड मीडियन क्या होता है? रेज्ड मीडियन की बात करूं, रेज्ड का मतलब ही क्या है? उठा हुआ। जो रोड से जो उठा हुआ होता है पोर्शन उसको हम रेज्ड मीडियन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रोड से कुछ ना कुछ हाइट पे उठा होता है उसको हम रेज्ड मीडियन बोलते हैं। और जो मीडियन ऐसे एक डिप्रेशन होता है लैंड के अंदर उसको हम डिप्रेस्ड मीडियन बोलते हैं। एक गड्ढा सा होता है दोनों कैरिज वे के बीच में उसको हम डिप्रेस्ड मीडियन बोलते हैं। ये जनरली हमारा ओपन कंट्री एरिया एरियाज में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन की, जहां पे ओपन कंट्री एरियाज हैं तो वहां पे मीडियन की विड्थ जो रहेगी मिनिमम वो रहेगी 2.5 मीटर। चलिए बात कर लेते हैं आबादी वाले एरिया की। एरिया आबादी वाला है और टेरेन कौन सी है? प्लेन और रोलिंग टेरेन है। तो वहां पे रेज्ड मीडियन जो प्रोवाइड किया जाता है उसकी विड्थ रहेगी 2.5 मीटर। और दोस्तों इसमें डिप्रेस्ड मीडियन नहीं प्रोवाइड किया जाता बिल्ट अप एरियाज में, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन कंट्री एरियाज में ही प्रोवाइड किया जाता है डिप्रेस्ड मीडियन। चलिए माउंटेनियस और स्टीप टेरेन की अगर बात करें, जहां पे बिल्ट अप एरियाज हैं तो वहां पे भी 2.5 मीटर ही हमारा मीडियन की विड्थ रहेगी। अप्रोचेस टू ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर 5 मीटर। अब ये क्या है अप्रोच टू ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी फ्लाईओवर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने फ्लाईओवर बनाया है, ये है उसका डेक और ये है ग्रेडियंट। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम अप्रोच बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इस पोर्शन पे जो मीडियन होगा उसकी विड्थ भी कितनी रहेगी? उसकी विड्थ रहेगी 5 मीटर,
प्लेन ऑन रोलिंग टेरेन के लिए, और जहां पे माउंटेनियस एरिया है वहां पे विड्थ रहेगी 2.5 मीटर। एक चीज दोस्तों हमें ध्यान रखनी है डिप्रेशन मीडियंस के बारे में, डिप्रेशन मीडियम जहां भी प्रोवाइड किए जाते हैं वहां एटलीस्ट 600 mm हमें रोड के दोनों तरफ एरिया जो है वो पेव्ड चाहिए। जैसे दोस्तों ये कोई सपोज कीजिए ये एक डिप्रेस्ड मीडियम है, ये ऐसे है ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके दोनों तरफ 600 हमें ये जो एरिया है दोनों तरफ वो पेव्ड होना चाहिए ना कि अर्दन ठीक है फ्रेंड्स, और इसके दोनों तरफ ही हमारे हार्ड वेरिएशन होनी चाहिए, या तो स्टील पोस्ट लगे हों या कंक्रीट बैरियर हो, दोनों तरफ इसकी हार्ड वेरिएशन होनी जरूरी है। दूसरा हम बात करें अगर डिप्रेस्ड मीडियम की वेट 9 मीटर तक है उस केस में हमें हार्ड वेरिएशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों एक चीज और ध्यान देने वाली है, जहां पे भी यू टर्न होते हैं हमारे बिल्टअप एरियाज में, जहां पे भी यू टर्न प्रोवाइड किए जाते हैं उस केस में हमारा जो मीडियम की विड्थ रहती है वो रहती है 9 से 12 मीटर ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए। दूसरा एक और है फ्रेंड्स, मीडियम की विड्थ हमेशा यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए, अगर कहीं पे मीडियम की विड्थ यूनिफॉर्म अनअवॉइडेबल है जहां पे उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो वहां एटलीस्ट 1:50 ट्रांजिशन होना चाहिए। 1:50 ट्रांजिशन का मतलब क्या है, अगर मीडियम की विड्थ 1 मीटर बढ़ रही है तो वो कम से कम 50 मीटर के अंदर ही बढ़े, उससे पहले ना बढ़े ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर रोड मीडियम को लेके, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे रोड कैंबर्स के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।